बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 35 एंड 36। बट बिफोर स्टार्टिंग आर वर्क, फर्स्ट रिसाइट दुआ आफ्टर मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा हुम आई लर्न इंक्रीज माई नॉलेज। सो बेटा, एज यू ऑल नो दैट वी आर स्टडियंग यूनिट नंबर 5, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, open page number 35, and in today's class we are going to discuss uses of trees। beta aap sab previous classes mein study bhi kar chuke hain, learn bhi kar chuke hain uses of trees, so in today's class we are going to discuss few of them। okay, aap sabko pata hai na ki trees hame food provide karte hain, jaise fruits provide karte hain, nuts provide karte hain। इसके अलावा ट्रीज़ हमें फ्रेश एयर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, शेड भी प्रोवाइड करते हैं हमें, और शेल्टर भी, और दूसरे एनिमल्स को भी, और फ्लावर्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ट्रीज सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ट्रीज सॉयल इरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, आप सबको पता है ना सॉयल इरोजन क्या होता है। जी बेटा, इरोजन इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉयल, और इसके भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन ट्रीज सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? जी, जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं ना, वो सॉयल को टाइटली होल्ड की हुई होती हैं। इस तरीके से ट्रीज सॉयल इरोजन को, जी सॉयल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो है ना, कितना वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं ना ट्रीज। और ट्रीज से हमें इम्पॉर्टेंट मेडिसिन भी मिलती हैं, आपको पता है ना। मेडिसिन डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन हैं जो ट्रीज़ की बार्क से, लीव से और सैप से तैयार की जाती हैं। तो ट्रीज हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जो वुड है ट्री की, से हम हासिल करते हैं वुड, उन वुड से फर्नीचर की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा पेपर भी बनाया जाता है। और ट्रीज हमारे प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ट्रीज इस तरीके से इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पे। और आप सबको पता है ना कि ट्रीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है। आप सबको पता है ना, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन, और ट्रीज हमें ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रीज कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हम सबको और ट्रीज प्लांट करने चाहिए ना अपनी सोसाइटी में। ये देखिए, आपको यहाँ पे और बहुत सारे यूजेस गिवन है। लुक एट दिस पिक्चर बेटा, ये देखिए, ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हनी फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, गम एंड लैग भी ट्रीज से बनती है, और ट्रीज नेचुरल हैबिटेट भी हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। बहुत सारे एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं, ट्रीज के साथ आसपास रहते हैं। ये देखिए टिम्बर वुड, ये हाई क्वालिटी की, अच्छी गुड क्वालिटी की वुड होती है, और ये भी ट्रीज से मिलती है। रबर भी ट्रीज से बनाया जाता है, फर्नीचर भी, स्पोर्ट्स कोर, ट्रीज को फ्यूलिंग पर्पस में भी यूज़ किया जा रहा होता है, एज अ फॉडर यूज़ हो रहे होते हैं फॉर कैटल, है ना बेटा। कैटल ग्रेजिंग में ट्रीज और ग्रासेस यूज हो रही होती है ना, आप सबको पता है ना। काउस, गोट, शीप, सब कहाँ से अपना फूड हासिल कर रहे होते हैं? ट्रीज से ना। तो एज अ फॉडर भी यूज़ हो रहे होते हैं ट्रीज, शेल्टर के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं। बहुत सारे हाउसेस तो वुड से बनते हैं ना, और ये देखिए मेडिसिन भी हमें वुड्स से, बार्क से, ट्रीज के लीव्स से और सैप से हासिल होती हैं। तो ये देखिए इतने सारे यूजेस हैं ट्रीज के, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। सो बेटा, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 36। दिस इज पेज नंबर 36। ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स एंड देयर रिसोर्सेज। जी बेटा, क्या होते हैं मिनरल्स? मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं। जी, जो नेचुरली अकरिंग है हमारी अर्थ सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट में, और हमारी अर्थ्स रॉक, सैंड एंड सॉइल सब मिनरल से मिलकर बनी है। इवन आर प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ सरफेस में भी, अर्थ क्रस्ट में भी। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते।
मिनरल्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ये देखिए यहाँ पे आपको टेबल गिवन है। अब हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स की कुछ एग्जांपल्स को जो हमारी कंट्री में पाई जाती हैं और उनकी प्लेसेस को जहाँ पे वो पाई जाती हैं और उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, मेटालिक मिनरल्स कॉपर एंड क्रोमाइट, आपको यहाँ टू मेटालिक मिनरल्स गिवन है। और नॉन मेटालिक मिनरल्स में आपको सॉल्ट एंड जिप्सम, जी सॉल्ट एंड जिप्सम गिवन है ना। ओके, कॉपर, कॉपर डेरा इस्माइल खान में पाई जाती है मेनली और यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स में। कॉपर का जो मेन यूज है वो जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स है। ओके बेटा, आप सबने देखे होंगे ना कॉपर वायर्स, तो कॉपर को मेनली जो है इलेक्ट्रिक वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा रहा होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्रोमाइट, इट इज़ फाउंड एट मुस्लिम बाग, चाही एंड खुजदार इन बलूचिस्तान प्रोविंस, और इसे यूज़ किया जा रहा होता है स्टेनलेस स्टील की मेकिंग में और एरोप्लेन स्ट्रक्चर्स की मेकिंग में यूज़ होता है क्रोमाइट। नॉन मेटालिक मिनरल्स, सॉल्ट एक नॉन मेटालिक मिनरल है और मेनली सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है क्यूरा माइन से। हमारी सॉल्ट की जो बिगेस्ट रेंज है वो क्यूरा माइंस में ही है और हम वहीं से अपनी मीट के लिए सॉल्ट निकालते हैं, माइंड आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट को यूज़ किया जाता है फूड मेकिंग में, कुकिंग में, आप सबको ही पता है ना डेली बेसिस पे सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में भी सॉल्ट यूज़ होता है और फूड प्रिजर्विंग में भी सॉल्ट यूज़ हो रहा होता है। जिप्सम, जिप्सम जो है ये पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, जहलम, बहावलपुर, सिब्बी एंड कोहाट में पाया जाता है और जिप्सम को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। सीमेंट और फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम यूज़ हो रहा होता है। सो बेटा यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी गिवन है मिनरल्स की। ये देखिए, दीज टू आर मेटालिक मिनरल्स एंड दीज टू आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये देखिए, जब कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से, तो ये ऐसा होता है कॉपर, फिर और क्रोमाइट ऐसा होता है, फिर इन्हें मेल्ट करके रीशेप किया जाता है क्योंकि मेटालिक मिनरल्स जो है मेल्टिंग पे शेप चेंज करते हैं, इसीलिए इनको मेल्ट करके इनको न्यू शेप दी जाती है। सॉल्ट एंड जिप्सम नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स को जब मेल्ट करते हैं तो वो न्यू शेप गेट नहीं करते, इसलिए इनको जी ये अपनी शेप चेंज नहीं करते, इसलिए इनको फिर मेल्ट नहीं किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है जी फॉरेस्ट के यूजेस भी डिस्कस किए हैं हमने और हमने मिनरल्स के बारे में भी स्टडी किया है। आप सबको पता है ना कि मिनरल्स हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी एक वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 35 and 36 थॉरली। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।